होपफुली आपने 12th का एग्जाम दे दिया होगा और आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। 2018 का पेपर हम आज से सॉल्व करेंगे BHU BSc मैथ्स ग्रुप के। तो कुछ नोटिफिकेशन उससे पहले मैं दूं आपको कि BHU BSc मैथ्स ग्रुप में हम फिजिक्स का पेपर आपको सॉल्व करके देंगे जिसमें कि 50 क्वेश्चन होगा टोटल। इसमें क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं, आपके पास 150 मिनट समय होते हैं। मतलब अगर 50 क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास 50 मिनट समय है, और मैं यहाँ पर 1 घंटा से ज्यादा भी समय ले सकता हूँ क्योंकि मैं हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। दूसरी चीज अगर डिस्कस करें कि 2018 का जो BHU BSc का पेपर है, अभी कहीं पर भी इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, कोई मार्केट में बुक नहीं अवेलेबल है जिसमें कि सॉल्यूशन हो, और कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इसका सॉल्यूशन अवेलेबल हो। तो ये समझ सकते हैं कि ये पहली बार हो रहा है 2018 का BHU BSc का पेपर सॉल्व होकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। अगर हम इसकी ब्रॉडनेस की बात करें तो ये नहीं है कि ये मैं आपके केवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक ही सीमित रहूंगा। आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं हो सकता भी वहां पर भी मैं आपके साथ रहूंगा किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ। अगर आप मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन चाहते हैं, मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री के, तो फिजिक्स वाले पर रिस्पॉन्स की जरूरत है सबसे पहले। मुझे लगता है कि 40,000 से बच्चे ज्यादा तो भरते हैं BHU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो फिजिक्स पर जो रिस्पॉन्स आएगा उस अनुसार से मैं ट्राई करूंगा किसी ऐसे टीचर से बात करने की। हालांकि मेरी बात हो चुकी है तो मैथ्स और केमिस्ट्री के सॉल्यूशन भी आएंगे समय से, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको फिजिक्स वाले पर रिस्पॉन्स देना होगा यहाँ बने रहने के लिए। क्योंकि मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के अगर कोई भी सॉल्यूशन आते हैं या फिर हायर एजुकेशन में आपको कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो एक ही बात है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाल ही में मैंने ये फेसबुक का पेज भी बना दिया है, आप चाहे तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन गेन कर सकते हैं कि कुछ भी नया वीडियो अगर अपलोड होगा तो यहाँ पर भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। चलिए ये सब रहा भाषणबाजी का अंश, अब हम चलते हैं एक्चुअल पेपर पर। आप इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों मीडियम में पेपर अवेलेबल है, और मैं तो हिंदी में नॉर्मली बात कर रहा हूँ। मैं केवल इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगा क्योंकि मेरा मीडियम एक्चुअल में इंग्लिश रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर देते हैं। इफ द अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, ओके आधा हो जाता है अर्थ की रेडियस, आधी हो जाती है विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, मास और शेप बिना बदले आधी हो जाती है। अरे ड्यूरेशन ऑफ द डे इन स्टेट ऑफ 24 आवर्स, अभी जो है 24 घंटे के दिन रात होते हैं तो बाद में क्या हो जाएगा? ये अपनी प्यारी सी अर्थ है, बाद में इसकी रेडियस आधी हो जाती है। मास अगर अभी एम है तो ये भी मास एम ही है, शेप भी अगर ये स्फेरिकल है, अगर स्फेरिकल कहें तभी भी स्फेरिकल है, ये दोनों चीज नहीं बदल रहा है। यहाँ पर कैपलर्स लॉ मत लगाते रहना क्योंकि कैपलर्स लॉ अप्लीकेबल तब होता है जब सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, तो उस केस के लिए कैपलर्स लॉ है। यहाँ पर सिंपल सा यह क्वेश्चन है कि मास कॉन्स्टेंट है, शेप वही है, तो क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू देखेंगे कॉन्स्टेंट, इसे हम और लिख सकते हैं ओमेगा 1 आर 1 स्क्वायर इक्वल टू एम ओमेगा 2 आर 2 स्क्वायर, क्योंकि मास तो कॉन्स्टेंट रह रही है ना, तो इसलिए मैंने दोनों जगह एम लिख लिया, एम से एम कट गया। ओमेगा 1 आर 1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 2 आर 2 स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये सब नहीं बताऊंगा। कह रहा है रेडियस आधी हो जाती है, तो इनिशियली रेडियस आर वन है, फाइनली रेडियस आर टू हो जाती है, तो आर टू जो है आर वन बाई टू है, इसका मतलब यही हुआ ना रेडियस आधी हो जाती है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, क्या होगा ओमेगा 1 आर वन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 2 आर टू मतलब आर वन बाई टू, तो मैं लिख लूँ आर वन स्क्वायर बाई 4 एक ही बार में, एग्जाम है ना लिख सकते हैं इतना। आर वन स्क्वायर से आर वन स्क्वायर ऊपर कट गया, ये बचेगा ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 बाई 4, या लिख लेंगे ओमेगा 2 इक्वल टू 4 ओमेगा 1। कुछ क्लियर हो रही है कि अर्थ जो रोटेशन होगी, रोटेशन अर्थ की, वो 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। अरे भैया अभी 24 घंटे के दिन रात होते हैं, अर्थ 4 गुना ज्यादा फास्ट घूमने लगेगी, तो 4 से डिवाइड कर दो, इसमें 6 घंटे के दिन रात हो जाएंगे आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 मिलीमीटर डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है,
फॉर्मूला याद आना चाहिए यहां से, कंटेनिंग वाटर इज एब्सॉर्ब, कह रहा है कि कितना कैपिलरी में राइज होगा, हाइट कितना गेन करेगा। क्वेश्चन नंबर टू, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद आनी चाहिए, एच इक्वल टू टू टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो भी हो। आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी। कुछ ऐसा होता है इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, इसमें हम कैपिलरी डुबाते हैं, बहुत फास्ट लिख रहा हूं ना इसीलिए। तो कैपिलरी में क्या होता है, लिक्विड की हाइट बढ़ जाती है, ये जो नॉर्मल हाइट है टब में उससे थोड़ी ज्यादा ज्यादा हो जाती है, और इसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को हम मान लेंगे 0 डिग्री, राइट। तो एच हमारी हो जाएगी 2t cos थीटा, सॉरी cos थीटा तो हटा देंगे ना, cos 0 1 हो जाएगी, 2t अपॉन रो जी आर। यहां से सारे वैल्यू लिख लेंगे, वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, लिखेंगे 2 into t। t क्या दिया हुआ है, पानी और हवा के अंतःपृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.073 न्यूटन पर मीटर। 2t अपन रो, रो वाटर का डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद जी, जी आपको पता होना चाहिए, रेडियस के लिए डायमीटर 1 मिलीमीटर दे दिया है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे 2 into t क्या दिया था 0.073, सब एसआई में रख लेते हैं, अपॉन वाटर की डेंसिटी एसआई में होती है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इंटू जी को 10 रख लेंगे, इंटू डायमीटर दिया था तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, हाफ इंटू मिलीमीटर में दिया था 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन कीजिए, ये वैल्यू आ जाएगा 4 into 7.3, ये आ जाएगा 29.2 मिलीमीटर, तो आपका अप्रोक्स आंसर आंसर 4 हो जाएगा, 30 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में टी डिग्री केल्विन पर ए पार्टिकल ऑफ मास एम ऑफ गैस। अच्छा, एक पार्टिकल की बात हो रही है, पूरे गैस की बात नहीं हो रही है। अगर पूरे गैस की बात होती है तो हम मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करते, तो यहाँ एक पार्टिकल की बात कर दी गई है। मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे कर रहा, ओके। द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, आपने 3 स्पीड पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड का केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आपने एवरेज स्पीड पढ़ा होगा अंडर रूट 8RT/πm, जहां कैपिटल एम है मोलर मास, राइट। और अगर हम एक पार्टिकल के मास में लिखें तो ये फॉर्मूला हो जाता है 8kT/πm, जहां ये स्मॉल एम है एक पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का मास स्मॉल एम, मोलर मास कैपिटल एम इस फॉर्मूले में कंसीडर की गई है। अगर हम बात करें मोलर मास की तो वो हो जाएगी एम इंटू एवोगाड्रो नंबर। देखिए आंसर उस अनुसार से आपका 1 हो जाएगा। यहां आप कभी कभी कंफ्यूज करेंगे क्योंकि यहां पर कैपिटल एम ले लिया गया है, कैपिटल एम इसने पार्टिकल का ही मास लिया है, और हम अपने फॉर्मूला में स्मॉल एम लिए थे पार्टिकल का मास, तो हमें आया था 8kT/πm, इसने कैपिटल एम लिया है तो कैपिटल एम आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 एक आसान सा क्वेश्चन है, 15 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड, ओके, फ्रॉम 0°C to 5°C एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एक जिक्र किया गया है, तो सी भी यहाँ पर लेंगे अगर कोई फॉर्मूला होगा तो, बाय एडिंग 150 कैलोरी हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर विल बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद आ रहा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया जा रहा है, टोटल हीट 150 कैलोरी दे रहा है, तो हम लिखेंगे DQ=NCVdT, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे तो NCVdT लिखेंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें याद आ रहा है DQ=DU+DW, ये फर्स्ट लॉ है ना, जिसमें कि DW अपना 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो DW 0 हो जाती है, वर्क डन कुछ नहीं होता, तो DQ=DU होगा, हीट दे रहा है 150 कैलोरी, तो यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, राइट। अब यहाँ कैलोरी पर ग्राम में ऑप्शन दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, 150 कैलोरी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी 15 ग्राम एयर गैस के लिए, एयर के लिए, तो अगर पर ग्राम की बात करें तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 10 कैलोरी पर ग्राम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 5 में एसएचएम से क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन है पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। द फोर्स ऑन पार्टिकल इज डायरेक्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है ना, आपने स्प्रिंग का पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, स्प्रिंग का अगर ये इक्विलिब्रियम पोजिशन है तो अगर इस पार्टिकल को यहां पर खींच कर लाया जाए तो इस पर जो फोर्स लगेगी इस ओर लगेगी, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करके यहां ला दिया जाए तो इस पर फोर्स जो है इधर लगेगी स्प्रिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया टुवार्ड्स द सेंटर, हालांकि ये जो एक्चुअल वर्ड होना चाहिए टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन होना चाहिए, कोई बात नहीं चल सकता है। ऑप्शन 2 है द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, इसीलिए तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तीसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजिशन, ऐसा नहीं है, गलत है, क्यों? क्योंकि जब एक्सट्रीम पोजिशन पर पार्टिकल होती है तो उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, कुछ इस तरह से। अगर पार्टिकल यहाँ एक्सट्रीम पोजिशन है तो यहाँ आते आते क्या होती है, ये रुक जाती है, फिर वापस ये पीछे चलती है, तो जब रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। एक्सट्रीम पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 भी पढ़ लेते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजिशन, हाँ मैक्सिमम होती है ना, अगर एक्सट्रीम पोजिशन पर चली जाती है तो मैक्सिमम खिंचाव होता है, मैक्सिमम फोर्स लगता है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, सिंपल आर्मिंग मोशन, फिर क्वेश्चन है अलोंग एक्स एक्सिस, एक ही एक्सिस पे हो रही है। इफ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन इज एक्स वन एक्स टू विद वेलोसिटी यू वन एंड यू टू, अब वेलोसिटी और पोजिशन का रिलेशन आपको याद होना चाहिए, वेलोसिटी और पोजिशन का एक रिलेशन होता है वी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबको पढ़ाया गया होगा। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि जब इक्विलिब्रियम पोजिशन से एक्स वन डिस्टेंस पर रहता है तो उसकी वेलोसिटी यू वन रहती है, और एक्स टू रहता है तो यू टू होती है, तो इस दोनों की मदद से हम दो इक्वेशन लिख लेते हैं। ऐसा करते हैं ये जो रिलेशन है इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू वन होती है वेलोसिटी कब, जब एक्स वन डिस्टेंस पर होती है, ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यू टू होती है वेलोसिटी कब, जब एक्स टू डिस्टेंस पर होती है, ओके क्वेश्चन 2 मान लेते हैं इसे। तो पूछ रहा है इसका दोलन काल क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जैसे ही टाइम पीरियड पूछा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद जैसे ही पता चला कि टाइम पीरियड पूछा, 2-3 फॉर्मूले दिमाग में घूमते रहना चाहिए। टाइम पीरियड एक होता है 2π अंडर रूट एम बाई के, अब इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट हमें नहीं दिया है, मास नहीं दिया है, ओके कोई बात नहीं। टाइम पीरियड होता है 2π बाय ओमेगा, ओ हमने यू और वी के रिलेशन दिए हुए हैं, उससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं तो टाइम पीरियड आ जाएंगे। तो क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दीजिए, घटाने के बाद आपके पास आएगा यू वन स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर, जब आप इसको ब्रेक करके घटाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, यहां से आपके पास ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर पहले आएगा यू वन स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर कट गया, तो इसमें टाइम पीरियड इक्वल टू 2π बाय ओमेगा में रखेंगे तो ये होगा 2π बाय ओमेगा, मतलब ओमेगा जो भी है उसको पलटा देते हैं, ये होगा एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अपॉन यू वन स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 भली भांति वैसा ही चमक रहा है, तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है टू आइडेंटिकल बॉडीज आर प्लेस्ड इन इवेपोरेटेड वेसल, ओके मेंटेन एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन की गई है उस इवेपोरेटेड वेसल को, ओके द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी इज T3 27 डिग्री सेल्सियस, अच्छा एक फर्स्ट बॉडी है
and second body is 227 degrees Celsius. The ratio of rate of heat loss from two bodies is approximately. देखिए क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट करके छोड़ दिया जाए तो वो हीट लॉस करता है. अब यहाँ पर आप थर्मल कंडक्शन मत लगाइएगा, थर्मल कंडक्शन नहीं हो रहा है, ये रेडिएशन हो रहा है क्योंकि कोई भी कॉन्टेक्ट में नहीं है, बस ये एनवायरमेंट में रख दी जाती है ऑब्जेक्ट को और वो हीट लॉस कर रहे हैं. इसीलिए थर्मल रेडिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे. क्या है कि एक इवेक्यूटेड वॉश शेल है, उसमें एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट रख दी गई, सेकेंड ऑब्जेक्ट रख दी गई, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा गया था, 327. एनवायरमेंट कितने पे है, 27 डिग्री सेल्सियस, सारे सेल्सियस में है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है. थर्मल रेडिएशन का फॉर्मूला होता है कि रेट ऑफ हीट लॉस मतलब क्यू बाई टी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन सिग्मा टेम्परेचर ऑफ हॉटर बॉडी का पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्डर बॉडी का पावर 4 इंटू एरिया ऑफ हॉटर बॉडी, जहां एप्सिलॉन जो एमिसिविटी कोफिशियंट है ऑब्जेक्ट का, सिग्मा स्टीफेंस कॉन्स्टेंट है और एच एरिया ऑफ हॉट बॉडी. ओके, हमें रेट ऑफ हीट लॉस का रेशियो पूछा गया है तो क्वेश्चन को थोड़ा प्योर पढ़ लीजिए. टू आइडेंटिकल बॉडीज, अच्छा बॉडीज आइडेंटिकल है मतलब एमिसिविटी कोएफिशिएंट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, वो सेम है, आइडेंटिकल है तो उसके एरिया भी कौन वही होंगे, सेम होंगे. तो यहां से पता चला कि एप्सिलॉन जो है ये सेम हो गया दोनों के लिए, सिग्मा तो भैया स्टीफन कॉन्स्टेंट वो तो कॉन्स्टेंट होगा ही, एरिया ऑफ हॉटर बॉडी दोनों सेम है क्योंकि आइडेंटिकल है ऑब्जेक्ट. तो रेट ऑफ हीट लॉस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टी एच का पावर 4 माइनस टी सी का पावर 4. तो हमें रेशियो का है आर वन बाय आर टू इक्वल टू टी एच का पावर 4 माइनस टी सी का पावर 4 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अपॉन टी एच का पावर 4 माइनस टी सी का पावर 4 सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए. थोड़ा कैलकुलेशन इसमें हार्ड हो जाएगा. टी एच का पावर 4 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 320 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलिए 273 तो ऐड कीजिए सबसे पहले सब में, तो ये अगर 327 में ऐड करेंगे तो ये होगा 600 का पावर 4 माइनस सराउंडिंग कूलर सराउंडिंग है ना 27 में 273 ऐड कीजिए तो ये होगा 300 केल्विन इसका पावर 4 अपॉन. अब चलिए सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, 227 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसमें 273 ऐड कीजिए केल्विन बदलने के लिए तो ये होगा 500 का पावर 4 माइनस सराउंडिंग तो वही है तो 300 का पावर 4. कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ 10 पावर 2 सब जगह से कॉमन लेंगे, 10 पावर 4 ऊपर में आ जाएगा तो सब जगह से वो कट जाएगा तो 6 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 अपॉन 5 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 ये हो गया. अब यहाँ आपके कैलकुलेटर काम आने वाले हैं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते रहिए. 1296.81 ऐसे ही कुछ आता है, सॉरी 1296-81 अपॉन 625-81 उसके बाद ये हो जाएगा 1215 घटा के, नीचे घटा के हो जाएगा 544 भागा देते रहिए 2.23 ऐसे आता है, हो गया रेशियो 2:1 कह सकते हैं क्योंकि 2.23 में आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 2:1. तो ऑप्शन नंबर 1 में हम टीक लगा के आ सकते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 में है यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज बार पेंडुलम. पेंडुलम के बारे में पढ़े हैं आप लोग. इफ द रूम टेम्परेचर राइजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अच्छा कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल रॉड इज दिया हुआ 2×10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल हैव परसेंटेज इंक्रीज इन. कौन कहता है कि मिक्स करके क्वेश्चन नहीं पूछता है बीएचयू. यहाँ पर तीन तीन चैप्टर का यूज हुआ है. पहला थर्मल एक्सपेंशन से निकाल लेंगे कि फाइनली रॉड की रेडियस लेंथ क्या हो जाएगी, थर्मल एक्सपेंशन का यूज हुआ है. उसके बाद एसएचएम का यूज हुआ है जिसमें कि टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं, और तीसरा परसेंटेज इंक्रीज मतलब एरर का यूज हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 दिया हुआ है कि टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहा है. टाइम पीरियड सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे 2π√L/g. कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज क्या होगा,
अब देख रहा है हमें टाइम पीरियड एल पे डिपेंड कर रही है, और एल तो हमें क्वेश्चन में बताया कि वो बढ़ रहा है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन को याद करते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा थीटा। अल्फा क्या है? कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल इनिशियल लेंथ है, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है, राइट। अब क्या करेंगे कि ऐसे नहीं करेंगे कि यहां से डेल्टा एल निकाल लेते हैं, ये आपका लेंथी हो जाएगा। सबको हम फॉर्मूला के रूप में रखेंगे, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। एक्चुअल में अपने को पूछा कि चेंज परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड क्या होगा, तो क्या करते हैं, एरर में आपने पढ़ा होगा डेल्टा टी बाय टी इक्वल टू होगा 2 पाई में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो जीरो हो गया प्लस अंडर रूट एल है, तो मतलब एल का पावर 1/2 है, तो 1/2 बाहर रख लेंगे। ये होगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, नीचे भी है तो उसे हम प्लस ही लिखेंगे, ये डेल्टा जी, जी में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ओवरऑल जो हमारा डेल्टा टी बाय टी हो जाएगा वो होगा हाफ डेल्टा एल बाय एल। अपने को परसेंटेज पूछा है ना, तो डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 कर देंगे, यही तो होता है चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज होता है, इक्वल टू हो जाएगा हाफ डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। देखिए मैंने कैलकुलेशन कितना बचा लिया है, अभी हाफ डेल्टा एल की जगह आप इस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए, अल्फा एल डेल्टा थीटा अपॉन एल इंटू 100, एल से एल गया, ये हो गया हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। अब जो भी है क्वेश्चन में वैल्यू रखिए, अल्फा कितनी है 2 × 10⁻⁶, 10 डिग्री टेम्परेचर राइज हो रहा है, इंटू 2 × 10⁻⁶, डेल्टा थीटा 10 क्योंकि 10 डिग्री बढ़ रही है, इंटू 100, इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये आ जाएगा 10⁻³। तो 8 का ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा, 1 × 10⁻³, इतना ही परसेंटेज इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दो वेव हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, टू ट्रांसवर्स साइनोसोइडल वेव ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रिंग। अच्छा, एक स्ट्रिंग पर एक लेफ्ट साइड से आ रही है, एक राइट साइड से आ रही है, दोनों का सुपर इम्पोजिशन होगा। द स्पीड ऑफ ईच वेव इज 0.5 cm/s, दोनों की स्पीड सेम है और वो दे दी है। ईच वेव हैज सेम एम्पलीट्यूड ऑफ 3 cm, ओके, वेवलेंथ ऑफ 6 cm वो भी दी है। द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो देखिए रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों अलग अलग वेव का इक्वेशन लिखना होगा। तो एक जनरल इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। देखिए एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम मान लें पॉजिटिव, इस तरह से कोऑर्डिनेट, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो इस डायरेक्शन में जाएगी मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, उसका जनरल इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी उसका इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसे हम वेव वन नाम दे देते हैं वाई वन, इसे हम वाई टू नाम दे देते हैं, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वाई आर लिख लेते हैं, वो होगा वाई वन प्लस वाई टू, ठीक है। रिजल्टेंट ये होगा फॉर्मूला, पहले ये तो बताओ कि इक्वेशन दोनों के क्या होंगे एक्चुअल इक्वेशन, तो जनरली आपने लिखा। अब हम डाटा का यूज करते हैं, अपने को क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए दी हुई है क्वेश्चन में, अपने को ओमेगा चाहिए नहीं दी हुई है, निकालनी पड़ेगी, टी तो वेरिएबल है उसे तो कोई जरूरत नहीं है, अपने को के चाहिए डायरेक्टली नहीं दी हुई है निकालनी पड़ेगी, दोनों का इक्वेशन निकालने के लिए यही तीन चीज चाहिए, जिसमें से कुछ दी हुई है कुछ नहीं दी हुई है, इनडायरेक्टली दी हुई है निकालनी पड़ेगी। अब यहां से मुझे दो फॉर्मूला याद आ रहा है, के इक्वल टू होता है 2π अपॉन लेमडा, एक फॉर्मूला मुझे ये याद आ रहा है, दूसरा फॉर्मूला के इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी, ये फॉर्मूला याद आ रहा है। ऊपर से मैं निकालूंगा के इक्वल टू 2π अपॉन लेमडा, क्वेश्चन में दी हुई है वेवलेंथ 6 cm, दोनों का वेवलेंथ है, दोनों का एम्पलीट्यूड 3 cm है, लेमडा क्या है 6, मैं 6 रख लेता हूं इसे, तो 2π/6 ये होगा π/3, k की वैल्यू निकल आई π/3।
हमने के निकाल लिया, हमें ए पता है, ओमेगा निकालनी है, तो सेकंड वाले रिलेशन से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। यहाँ से ओमेगा इक्वल टू होगा के इंटू वी, के अभी तुरंत निकाला पाई बाई थ्री इंटू वेलोसिटी, दोनों वेव की दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मैं यहाँ से 1/2 लिख लेता हूँ। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई बाय 6। वाई आर रिजल्टेंट लिख लेते हैं, ए मतलब ए दिया हुआ है ना 3 साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब पाई बाय 6, 6t माइनस के, के मतलब पाई बाय 3x प्लस दूसरा क्या है ए मतलब 3 साइन ओमेगा टी, ओमेगा मतलब पाई बाय 6t प्लस के मतलब पाई बाय 3x। इस फॉर्मेट में तो ऑप्शन है नहीं, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। अब आपको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, वो था 2 sin a इंटू कॉस बी। नहीं याद आ रहा है तो मैं लिख नहीं सकता उतना, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद ये आया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये होता है 2 sin a, ए मतलब पाई बाय 6t इंटू कॉस बी कॉस पाई बाय 3x। ये सिंप्लीफाई करके आ गया 6 sin π/6t इंटू कॉस पाई बाय 3x। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शन 4 मैच करता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन 4 आप लगा के आइए। यहां पर देखिए π/t अपॉन 6 होगा यहां पर, लेकिन यहां पर 6 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में sin π/t/3 दिया हुआ है, ये होगा sin π/t/6। क्वेश्चन नंबर 10 में है, 2 स्ट्रिंग मेड ऑफ सेम मटेरियल ऑफ सेम लेंथ आर स्ट्रेस्ड बाय टेंशन, ओके सेम टेंशन से भी स्ट्रेस्ड किया गया, क्या है ये सेम का मतलब हम पढ़ेंगे समझेंगे, फॉर्मूला जब लिखेंगे तब समझ में आएगा। इफ देयर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 द रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज विल बी, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से मामला है कि ये स्ट्रिंग है, दोनों तरफ से स्ट्रेस्ड है, इस तरह से 2 स्ट्रिंग है, सेम लेंथ है एल एल, सेम टेंशन से दोनों स्ट्रेस्ड हैं टी टी, कह रहा है कि सेम मटेरियल के हैं, इसका मतलब दोनों की डेंसिटी इक्वल होंगे, बाद में की जो भी है हम आगे देखेंगे। पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस तरह से स्ट्रिंग अटैच्ड है दोनों तरफ से, इस स्ट्रिंग में अगर वाइब्रेशन दी जाती है और एक ही अगर पीक बनती है, चाहे अगर स्ट्रिंग ऊपर जाती है तो एक ही पीक बनती है और या नीचे आती है तो एक ही पीक बनती है, तो इस समय जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी उसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कभी कभी आप जानते हैं कि स्ट्रिंग इस तरह से अटैच्ड होती है और उसमें वाइब्रेशन दी जाए तो इस तरह से भी बन सकते हैं राइट, लेकिन इस केस में फंडामेंटल का है तो मतलब एक ही पीक पॉइंट बन रहा है। इससे रिलेटेड मुझे जो कुछ फॉर्मूले याद आने चाहिए, पहला फॉर्मूला है कि वेलोसिटी होती है वेव की स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, दूसरी जो फॉर्मूला याद आ रही है वेलोसिटी होती है अंडर रूट टी बाय एम, एम क्या है मास पर यूनिट लेंथ। एक और चीज हम नोटिस करेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में ये वेव आधी होती है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ एल हो है, अगर एल है तो लेमडा जो होगी वो होगी 2L, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है, इस तरह से अगर कोई वेव है तो वेवलेंथ होती है जिस जैसा स्ट्रक्चर शुरू हुआ वैसा ही स्ट्रक्चर आगे चलो कहां शुरू हो रहा है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है लेमडा। इस केस में देखिए ये वेव इस तरह से आधा है और दूसरा इस तरह से यहां शुरू होता और यहां खत्म हो जाता, ठीक है, तो यहां से यहां के बीच होती है लेमडा, ठीक है, लेकिन अपने पास इतना ही है तो हम क्या कहेंगे लेमडा जो होगी इसकी दूनी होगी 2L, L लेंथ है तो इसकी दूनी होगी। फ्रीक्वेंसी में रेशियो पूछा है, क्या करते हैं कि दोनों फॉर्मूला को ये जो फॉर्मूला A1 है फॉर्मूला 2 को इक्वेट कर देते हैं, तो ये होगा न्यू लेमडा फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इक्वल टू अंडर रूट T/m। मैंने क्यों इक्वेट किया, क्योंकि यहाँ पर टेंशन का जिक्र किया गया है
और साथ ही साथ डेंसिटी दोनों की इक्वल है लेकिन डायमीटर दोनों के अलग अलग है, तो हम मास में किसी तरह रेशियो निकालने वाले हैं मास पर यूनिट लेंथ में। कहानी को आगे भगाते हैं, मास पर यूनिट लेंथ होगी टोटल मास अपॉन लेंथ, राइट। टोटल मास हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन लेंथ। देख रहे हैं मैं क्यों ये लिखा था, डेंसिटी दी हुई इक्वल दोनों स्ट्रिंग की क्योंकि सेम मटेरियल है। यहां से हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं अपॉन एल। यहां से हो गया डेंसिटी इनटू एरिया। अब मैंने एरिया में क्यों रिलेशन लाया, क्योंकि हमें दी हुई है डायमीटर का रेशियो, यहां हो जाएगा रो फाई आर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हमें डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है तो वही रेडियस का रेशियो हो जाएगा। देख लेते हैं आगे क्या है। पहले इस इक्वेशन से इसे इक्वेशन थ्री मान लेते हैं, इसे वन मानते हैं, इसे टू मानते हैं, हालांकि मानने से कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन थ्री से हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वन अपॉन लैम्डा अंडर रूट टी वाई एम, और ये हो जाएगा वन अपॉन लैम्डा अंडर रूट टी बाय एम। मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या निकाला, रो इंटू फाई आर स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन में पूछा है फ्रीक्वेंसी का रेशियो, और हमने फ्रीक्वेंसी में एक फॉर्मूला निकाला। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड में कौन कौन चीजें हैं जो दोनों के लिए सेम है। लैम्डा, अभी हमने कहा कि लैम्डा इक्वल टू टू एल, लेंथ तो दोनों केस में सेम है, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है तो लैम्डा दोनों स्ट्रिंग के लिए सेम हो गई। दूसरा यहां देखिए टेंशन टी, टी दिया हुआ क्वेश्चन में, सेम टेंशन से स्ट्रेस है वो सेम है। रो डेंसिटी, कह रहा है कि दोनों जो है सेम मटेरियल के हैं तो डेंसिटी सेम हो गया, पाई तो कांस्टेंट है ही, तो हमारे पास एक ही रेडियस आ गया। तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वन अपॉन आर स्क्वायर के अंडर रूट के, या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर के। तो यहां से हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी वन अपॉन फ्रीक्वेंसी टू इक्वल टू आर टू बाय आर वन। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है व्यासों का अनुपात 3:2 है, तो अगर व्यासों का अनुपात 3:2 है मतलब आर वन अपन आर टू 3:2 है तो फ्रीक्वेंसी का अनुपात हो जाएगा रेशियो 2:3। इस तरह से ऑप्शन थ्री अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, अच्छा क्लोज्ड है, इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो आपको क्लोज्ड और ओपन ऑर्गन पाइप का कंसेप्ट याद आ रहा होगा। इफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 30 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो पहले अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको इसकी जरूरत नहीं है। क्लोज्ड है ओपन है, क्लोज्ड के केस में मान लेते हैं लेंथ L1 है और इसमें L2 है, हालांकि एक लेंथ दिया हुआ है मान लिया, फिर भी हमने फर्स्ट ओवरटोन की बात हो रही है, कौन सी फर्स्ट ओवरटोन की। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 3V/4L1 और इस केस में फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है V/L2, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बाय लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, राइट। यहां क्लोज्ड में है 3 × वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव अपॉन 4 × लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों इक्वल है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3V/4L1 = V/L2। यहां देखिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है मैंने इक्वल लिया क्योंकि दोनों केस में एयर ही है, इसीलिए साउंड वेव तो मीडियम पे डिपेंड करता है, क्लोज्ड ऑर्गन ऑर्गन पाइप से कोई फर्क होगा नहीं। इसी को आगे बढ़ाएंगे, V से V कट गया, L2 = आ जाएगा 4/3L1। अपने क्वेश्चन में क्लोज्ड का दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और ओपन का पूछ रहा है, तो यहां लिख लेते हैं L1 = 30 सेंटीमीटर, L2 निकालना है तो 4/3 × L1 की जगह लिखेंगे 30, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से ऑप्शन टू आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ज्यादा कंसेप्ट देने की जरूरत नहीं, नहीं तो टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। 12th नंबर में क्वेश्चन है इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन, अच्छा सिंगल स्लिट, इफ द स्लिट विड्थ इज डी, लाइट यूज्ड हैज वेवलेंथ लैम्डा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या है कि सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन हो रही है, तो एक स्लिट बना लेते हैं इस तरह से, ये स्लिट विड्थ जो है ये लेंथ डी है,
राइट, और यहाँ कहीं स्क्रीन है, डिफ्रेक्शन होता है तो यहाँ मैक्सिमा बनता है इस तरह से बीच में, फिर अगला मैक्सिमा छोटा होता चला जाता है। तो अपने को सेंट्रल मैक्सिमा से मतलब है, क्योंकि पूछा वही है। एंगुलर विड्थ क्या होगी? देखिए ये बीच वाला पॉइंट होगा मीडियम पॉइंट, एक दूसरा कलर लेता हूं। यहां से इस पॉइंट को मिलाते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा जहां तक है वहां तक ले चलते हैं, मिलाया, और इस पॉइंट को मिलाते हैं, मिलाया, तो ये जो टोटल एंगल बना इसे हम कहेंगे एंगुलर विड्थ। लेकिन इस एंगुलर विड्थ को निकालने के लिए सबसे पहले इसका हाफ एंगल निकाल लेते हैं, फिर उसका दूना कर देंगे एक्चुअल फिगर। हाँ ठीक है, अपन क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको थीटा मान लेते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा 2θ। अब डिफ्रेक्शन के लिए हमें एक ही फॉर्मूला याद आता है, कौन सा, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यहां से सेंट्रल मैक्सिमा, फोर्स सेंट्रल मैक्सिमा एन इक्वल टू वन, तो साइन थीटा यहां से आएगा क्योंकि हमें तो थीटा निकालना है, तो एन इक्वल टू वन रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय डी। थीटा बहुत स्मॉल है तो हम लिखेंगे थीटा साइन थीटा, थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम क्या लिख लेते हैं, थीटा, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी, तो अपना आंसर होगा 2λ/d क्योंकि 2θ हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो फॉर्मूला है सिंपली l इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर होगा। लेंथ ऑफ सोलेनाइड दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, कंटेंस एंड टर्न्स, सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है, आप सीधा फॉर्मूला पढ़ते हैं अपने क्लास में। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन आसान है, द ब्रोगली डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्टेज, लेकिन इसमें थोड़ा लेंदी जाएगा, इसका कैलकुलेशन काफी लेंदी जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही लाजमी होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन को किसी खास पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करेगा वो होगा क्यू इंटू वी, क्यू क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटू वी वोल्टेज। ओके पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको याद आना चाहिए, नॉर्मली फॉर्मूला तो डी ब्रोगली का लैम्डा इक्वल टू एच वाई पी सबको याद होता है, लेकिन अपने पास यहाँ एनर्जी है ना, तो एनर्जी के फॉर्मेट में याद कीजिए, एच एफ ऑन अंडर रूट टू मास इंटू ई। अब अगर यहां से क्या करें, आगे बढ़ाएं इसको, तो ये होगा एच एफ ऑन अंडर रूट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां हो जाएगा एनर्जी की जगह लिख लेंगे क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी, एच न्यू तीन नंबर में है लेकिन वो तो नहीं होगा, एच न्यू एच एच अपॉन अंडर रूट टू एम वी आधा अधूरा है इसीलिए चार भी नहीं होगा, तो ऑप्शन वन और टू होगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन थ्री फोर तो कट गया, तो ऑप्शन वन टू में से तुक्का लगा के आ सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व करके इसे देखते हैं कैलकुलेशन करके। एच की वैल्यू रखने के लिए इससे बढ़िया ऐसा करते हैं कि एच स्क्वायर ले लेते हैं अपॉन टू एम क्यू वी और पूरे का अंडर रूट ले लेते हैं। अब एच की वैल्यू रखते हैं 6.6 × 10⁻³⁴, एसआई में होती है, इसी को फिर से रखेंगे 6.6 × 10⁻³, आप आगे बढ़ जाइए क्योंकि कैलकुलेशन है यहाँ पर पूरा, 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg × वी, वोल्टेज नहीं दिया है, वी ही दिया है तो वी रखेंगे, × चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसका क्या होगा अंडर रूट, बिना कैलकुलेटर के सवाल सॉल्व नहीं होने वाला, तो इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगा, मैंने कैलकुलेशन किया है इसका 4356 अपॉन 29.12, नीचे वी है राइट, ये एंगस्ट्रम में आपका आंसर आएगा। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगा 149.58 अपॉन v एंगस्ट्रम। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, 149.58 आया था, यहाँ 150 है तो यही ऑप्शन लगा के आएंगे क्योंकि अप्रेक्स बल यही है। 15 टू पीस ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल हैव सेम लेंथ इन देयर लेंथ इन द रेशियो 1:2, डायमीटर्स इन द रेशियो 2:1,
If these are stressed by same force लग रहे हैं दोनों पर, their elongation will be in the ratio. तो ये properties of measure का question है. क्या है ना कि 15 नंबर में two wire है इस तरह से, ऊपर बांध दिए गए और नीचे से खींचा जा रहा है, दोनों के length अलग अलग हैं, 1:2 है तो इसको बड़ा मान लेते हैं इस तरह से, जो उससे फर्क नहीं अपने को, two wire है इस तरह से, कह रहा कि their elongation will be in the ratio. तो हमें यंग्स मॉडुलस याद आ रहा है, ये होता है एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल. अपने को डेल्टा एल इलोंगेशन का रेशियो पूछा है, तो डेल्टा एल ही इलोंगेशन है, तो यहां से डेल्टा एल निकालेंगे, वो होगा एफ एल अपॉन ए वाई. अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि दोनों के लिए सेम है, उसको हटा देंगे क्योंकि रेशियो पूछ रहा है ना. कह रहा है कि सेम फोर्स है, हट जाएगा. यंग्स मॉडुलस कॉन्स्टेंट ये वाई, दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल कह दिया है, लेंथ और ए में खेल होगा. अब कुछ क्वेश्चन में जो दिया है उसे लिख लेते हैं. कह रहा है कि लेंथ इन द रेशियो एल वन बाई एल टू 1:2. कह रहा है डायमीटर इन द रेशियो 2:1, तो रेडियस का भी रेशियो वही होगा, आर वन बाई आर टू इक्वल टू 2:1. अपने को यहाँ एरिया है ना, हम लिख लेते हैं इसे आगे बढ़ा के, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. तो एरिया जो होगा ए वन बाई ए टू किस रेशियो में होगा, रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में होगा, ये होगा 4:1, ये 2:1 है ना, इसीलिए 4:1 हो जाएगा एरिया, एरिया का रेशियो. तो यहां से डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू, इलोंगेशन इन वन अपॉन इलोंगेशन वन इन टू का रेशियो होगा, लेंथ ऑफ वन अपॉन एरिया ऑफ वन इंटू एरिया ऑफ टू इंटू लेंथ ऑफ टू, लेंथ ऑफ वन अपॉन लेंथ ऑफ टू 1:2, एरिया ऑफ टू अपॉन एरिया ऑफ वन, ए वन बाय ए टू 4:1 है, तो ए टू बाय ए वन होगा 1:4, ये होगा 1:8. तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 में है एट ए हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस. ओके, हाइट काफी छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से. द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज दैट एट डेप्थ डी. अगर डेप्थ डी जाते हैं अर्थ सरफेस से तो जी की वैल्यू उतनी ही रहती है जितनी एच हाइट ऊपर जाते हैं. क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ डी विल बी, हालांकि ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट क्लास में कराया जाता है डी इक्वल टू होगा 2:H, लेकिन अगर इसको निकालें तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जी एच हाइट पर होता है जी एट सरफेस इंटू 1 - 2H अपॉन आर, आर है रेडियस ऑफ अर्थ, जी एट डेप्थ डी इक्वल टू होता है जी एट सरफेस इंटू 1 - d अपॉन आर, राइट. क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच हाइट पर जो है जी डी डेप्थ पर दोनों इक्वल है, तो दोनों की क्विट कर देंगे तो ये होगा 1 - 2H अपॉन आर, जी से जी तो कट जाएगा 1 - d अपॉन आर, तो यहां से आ गया 2H अपॉन आर इक्वल टू डी अपॉन आर, तो यहां से डी आ गया 2H. तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन 17, इफ द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 25%, अच्छा टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज 327 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ सिंक, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है. एफिशिएंसी दिया हुआ 25%, एफिशिएंसी लिखेंगे 1/4, 25% है तो 25/100 इक्वल टू 1/4. अब हमको पता है एफिशिएंसी इक्वल टू होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स अपॉन माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो सारे वैल्यू यहां पुट करेंगे 1/4 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सोर्स 600 273 ऐड करेंगे जो दिया है वैल्यू -T2 अपॉन 600, कैलकुलेशन कीजिए T2 इक्वल टू आएगा 600 - 150, ये इक्वल टू हो जाएगा 450, ये केल्विन में आएगा वैल्यू, अगर सेल्सियस में पूछा हुआ होगा ऑप्शन दिया हुआ होगा तो 450 में से 273 को घटा देंगे तो यहां से आएगा 177 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 18 में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा पॉइंट और पॉइंट बी के बीच में. क्वेश्चन 18 में फिगर ड्रॉ कर लेते हैं,
अब इसमें मेरा सम में जाएगा, थोड़ा सा मैं रोक देता हूँ इसको। तो इस तरह से रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट है। देखिए ऐसा है कि यहां से चलते हैं, ये पॉइंट सेम है, ये सारा का सारा पॉइंट सेम है। जब सेम है तो यहां से देखिए एक रेसिस्टेंस ये निकला, दूसरा ये निकला और तीसरा ये निकला, चौथा ये निकला, चार रेसिस्टेंस निकल रहे हैं। अब इसको रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए एट और टू जो है दोनों एक पॉइंट पर हैं और फाइनली यहां आकर एक पॉइंट पर मिलते हैं, तो एट और टू को हम पैरेलल में मानेंगे और उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। फिर यहां से फोर निकलते हैं आगे और यहां जाते हैं, सिक्स निकलते हैं आगे और यहां जाते हैं, और दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो फोर और सिक्स को पैरेलल में मानेंगे और उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो पहले ये काम कीजिए। तो इस तरह से जो हमारा नया फिगर हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा, बीच में एक रेसिस्टेंस निकला ये आठ और दो का इक्विवेलेंट, और फिर ये फोर और सिक्स का इक्विवेलेंट, और नीचे का रेसिस्टेंस बना ये सिक्स जो था वही। तो इस तरह से फिगर रिड्यूस हो गया। अब ये आठ और दो का जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको निकालेंगे तो ये होगा एट इंटू टू अपॉन एट प्लस टू, ये होगा सोलह अपॉन दस। फिर ये जो फोर सिक्स था इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालेंगे इक्विवेलेंट तो ये होगा फोर इंटू सिक्स अपॉन फोर प्लस सिक्स टेन इक्वल टू ट्वेंटी फोर बाय टेन। अब सिक्सटीन बाय टेन मतलब ये वाला रेसिस्टेंस और ट्वेंटी फोर बाय टेन मतलब ये वाला रेसिस्टेंस दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो जब इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हमारे पास उभर के आएगा फोर। तो अब ऐसा करते हैं इससे भी एक नया फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, परीक्षा में जरूरी नहीं है कि इतने फिगर आप ड्रॉ करें। ऊपर वाला थ्री, नीचे वाला सिक्स और बीच वाला दोनों का इक्विवेलेंट क्या बन के आया, फोर। अब तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट निकालिए तो ये हो जाएगा फोर बाय थ्री ओम, ऑप्शन फोर आंसर होगा। 19 रिक्वायर्ड मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज टू स्टॉप इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल इज 20 वोल्ट, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज। अब इसका जो भी अरेंजमेंट है वो हम नहीं दिखाएंगे, मेटल सरफेस पर जब फोटोन डाली जाती है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइ होता है, वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी जाती है और जो बाद में की बचती है वो काइनेटिक एनर्जी में जाती है। तो अपने को ऐसे सब एग्जामिनेशन में ज्यादा घुमाएगा नहीं, तो कह रहा है कि रिक्वायर्ड मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज। अब यहाँ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो तो मिनिमम मैक्सिमम नहीं भी ध्यान में रखेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। कैसे, सिंपली हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों प्लेट के बीच उसको एनर्जी दी जाएगी पोटेंशियल से, निगेटिव पोटेंशियल से, तो वो होगी क्यू इंटू वी। अब क्यू इंटू वी क्या होगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू करा मिनिमम निगेटिव वोल्टेज वो 20 वोल्ट है जिससे कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टॉप हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिए सिंपली, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 18 जूल। 19 का ऑप्शन नंबर टू आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे एग्जामिनेशन में आप मिनिमम मैक्सिमम का ख्याल नहीं भी रखेंगे, फॉर्मूला याद है फॉर्मूला लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा गहराई में हम यहाँ नहीं जाएंगे। 20 एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मार 2 किलोवाट 250 वोल्ट रेसिस्टेंस ऑफ इट्स हीटर एलिमेंट वुड बी अप्रोक्सीमेटली, ये क्लास 10 का क्वेश्चन आ गया है। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा कि पी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय आर, ये ट्वेल्थ में भी आपने पढ़ा होगा लेकिन टेंथ में भी पढ़ा होगा। यहां से रेसिस्टेंस इक्वल टू होगा वी स्क्वायर बाय वी। उस हीटर पर, हीटर में तो रेसिस्टेंस होता है सिंपल, तो ये रेसिस्टेंस कहीं कहानी होती है पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो उस हीटर पर अंकित है, मार्क्ड है 250 वोल्ट, तो 250 इंटू 250 ले लेंगे। पावर अंकित है 2 किलोवाट, तो वाट में रखेंगे तो ये 2000 हो जाएगा, किलो मतलब हजार, तो 2 × 1000 2000। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 62.5 अपॉन 2 इक्वल टू आएगा 31.25 ओम। इस तरह से ऑप्शन वन आपका आंसर हो जाएगा।
तो आज क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। चार्ल्स लॉ होल्ड फॉर एन आइडियल गैस ड्यूरिंग, सिंपल है, चार्ल्स लॉ होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और ये तब होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर जिस भी प्रोसेस में होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। ऑप्शन टू आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म, मतलब आई इक्वल टू जीरो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, विथ इक्विलेटरल प्रिंसिपल सेक्शन 60 डिग्री पता चल गया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे, ओके इंसिडेंट और इमरजेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, डेविएशन। डेविएशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई प्लस ई इंसिडेंट प्लस इमरजेंट एंगल माइनस ए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्या ट्रिकी है। सबसे पहले तो एक प्रिज्म बनाते हैं। कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि रे ऑफ लाइट यहां आई, ये नॉर्मली आ रही है, तो अगर हम इसे फेस वन नाम दें और इसे फेस टू नाम दें नीचे वाले को, तो क्या कहानी होगी, अपनी जो रे है यहां से सीधे निकल जाएगी, नो इंटरेक्शन। अब जो काम होगा वो सेकंड फेस पर होगा, तो सेकंड फेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब ये रे जो इस डायरेक्शन में जाती कुछ इस तरह, तो अभी कुछ इस तरह से जाएगी, ये पाथ हो जाएगा इसका, ये जो एंगल है ये R2 हुआ और ये जो एंगल है ये टोटल ये E हो गया। तो अगर हम लिखें म्यू मतलब प्रिज्म का 1.5 इंटू साइन R2 इक्वल टू एयर का 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ E, यहां से हम साइन E की वैल्यू निकालते हैं, ये होगा 1.5 इंटू, अब सबसे पहले एंगल R की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इक्विलेटरल ये एंगल, एक मिनट, इक्विलेटरल मतलब ये एंगल 60 डिग्री, ये 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 30 और ये जो है परपेंडिकुलर है, तो R2 जो होगा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60। वैल्यू फुट कीजिए, ये होगा 3/2 इंटू रूट 3/2 3 रूट 3 अपॉन 4, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है। अब बताइए साइन की वैल्यू माइनस 1 से 1 तक ही हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं। इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आया साइन ही, कुछ न कुछ एरर है। एरर यही है कि इस कंडीशन में ये रे इस डायरेक्शन में जाएगी नहीं, इस कंडीशन में इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब रे जो जाएगी कुछ इधर चली जाएगी, समझ में आई बात। तो यहां पर सिंपल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट लगेगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा R2 के इक्वल, R2 कितना था 60 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री। अपने को क्वेश्चन में पूछा है इंसिडेंट और इमरजेंट रे के बीच का एंगल, एक मिनट समझिए, यहां ये किस एंगल की बात कर रहा है, देखिए ये रे इस दिशा में जा रही थी सीधे और निकल दो गई इधर, तो इस दोनों के बीच जो ये एंगल बना ये एंगल कितना है। अब ज्योमेट्री की कहानी है, ज्योमेट्री लगाइए आपका एंगल निकल आएगा। एक देखिए ऐसा कुछ है,
ये रे आ रही है इस तरह से, ये एक लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये एंगल क्या है 60, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, राइट। ये वाली एंगल क्या है 60, तो ये जो तीसरी एंगल बचती है ये भी 60 होगा। यही तो अपने को निकालना था, इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ऑप्शन थ्री आपका आंसर हो जाएगा। 23 में है, टू इलेक्ट्रिक हीटर्स रेटेड 1 kW एंड 500 W एट 220 V कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ 220 V, द टोटल पावर ड्रॉन विल बी वुड बी। आप एक तो लंबा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि दो रेसिस्टेंस है, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज 220 V दिया हुआ है, दोनों का रेसिस्टेंस पहले निकाल लो, कुछ इस तरह से है। दो हीटर है दोनों पैरेलल में, दोनों का पावर दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस निकालेंगे वी स्क्वायर बाय पी से, वोल्टेज दिया हुआ है। एक तो तरीका हो सकता है कि दोनों का रेसिस्टेंस निकालिए R1 R2, फिर दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट निकालिए, फिर एक पावर निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट, राइट। तो ये लंबा खींचा जाएगा। इससे बढ़िया है कि ये दोनों जो रेसिस्टेंस है दोनों के बीच का वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है तो पावर सिंपली ऐड हो जाएगा, 500 प्लस 1 kW है तो 1000 W हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 W, और इसको लिख सकते हैं 1.5 kW। ऑप्शन थ्री आंसर होगा। 23 में है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वी अलोंग 45 degrees विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, देन पाथ वुड बी। ये तो डायरेक्टली रिजल्ट पढ़ते हैं अपने क्लास में, हेलिकल पाथ होता है, हेलिक्स 24 का एक। 25 में, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 degrees विद हॉरिजेंटल विद काइनेटिक एनर्जी ई, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट वुड बी। कहानी कुछ ऐसी है, एक प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका गया कुछ खास वेलोसिटी से, टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर जब फेंका गया इक्वल टू होगा 1/2 mv². अपने को पता करना है कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। ये 60 degrees एंगल है, तो देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी बचेगी, वर्टिकुलर कंपोनेंट जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी वी कॉस थीटा, मतलब 60 degrees इक्वल टू हो जाएगी वी बाय टू। तो काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी 1/2 mass इंटू वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/4। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। 26 में, ए पार्टिकल मूव्स इन सर्किल विथ एंगुलर मोमेंटम एल, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज डबल्ड, द रेडियस ऑफ सर्किल ऑन व्हिच द पार्टिकल इज मूविंग इज डिक्रीज सच दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड। रेडियस घट जाता है और काइनेटिक एनर्जी भी आधा हो जाता है, करा एंगुलर मोमेंटम बाद में क्या हो जाएगा? मान लीजिए इनिशियली ये रोटेट कर रही है किसी सर्किल में, ये पार्टिकल है, ये सेंटर है, रेडियस R1 है, बाद में रेडियस घट जाती है, जानकारी नहीं दी है कितनी हो जाती है लेकिन घट जाती है, R2 है रेडियस। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है L, तो इसे हम L1 मान लेते हैं। फाइनली एंगुलर मोमेंटम क्या होगा पूछ रहा है। अपने पास काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियली पता करते हैं कितनी थी, 1/2 mass। इस खास पॉइंट पर ये रोटेट कर रही है सर्कल में, तो यहां कुछ वेलोसिटी होगी, उसके कारण काइनेटिक एनर्जी होगी, तो 1/2 mv², तो इसे हम v1² ले देते हैं। ओमेगा के फॉर्मेट में लिखेंगे
तो ये लिखेंगे हाफ एम, वी के जगह लिखेंगे आर ओमेगा, तो यहाँ लिखा आर वन ओमेगा वन, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी टू हो जाएगी हाफ एम आर टू स्क्वायर ओमेगा टू स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी टू जो है वो हाफ है काइनेटिक एनर्जी वन के, तो काइनेटिक एनर्जी टू हाफ एम आर टू स्क्वायर ओमेगा टू स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू हाफ काइनेटिक एनर्जी वन एम आर वन स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर। क्वेश्चन में एक चीज और लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज डबल्ड। कहने का मतलब यहां फ्रीक्वेंसी अगर एफ वन है तो एफ टू जो है टू एफ वन हो जाता है। अपने को पता है ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई एफ, तो अगर एफ दूना होता है तो ओमेगा भी दूना हो जाएगा, तो हमें पता चल गया ओमेगा टू जो होगा ये टू ओमेगा वन होगा। इस वैल्यू को भी हम आगे रख लेते हैं, इस हाफ से इस हाफ को काट देते हैं, एम से एम को काट देते हैं, यहां से अपने को आ जाएगा आर टू स्क्वायर इंटू ओमेगा टू स्क्वायर, ओमेगा टू की जगह ये वैल्यू रख लेते हैं टू ओमेगा वन, तो ये हो जाएगा फोर ओमेगा वन स्क्वायर इक्वल टू है हाफ आर वन स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर। दोनों तरफ से ओमेगा वन स्क्वायर कट गया तो अपने पास आ गया आर टू स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर, सीधा एट लिख देते हैं यहाँ नीचे आर वन स्क्वायर बाई एट। आर वन और आर टू में रिलेशन आ गया, अपने को पूछा था एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, तो यहां से लिखेंगे एम इंटू वी वन इंटू आर वन। चूंकि अपने को ओमेगा में रिलेशन है तो वी को हम ओमेगा में बदल देते हैं, ये होगा एम वी वन मतलब आर वन ओमेगा वन इंटू आर वन, यहां से लिख सकते हैं हम एम आर वन स्क्वायर ओमेगा वन। और एल टू इसी तरह से हो जाएगी एम आर टू स्क्वायर ओमेगा टू। यहां से अगर एल टू को आगे बढ़ाएं होगा एम आर टू स्क्वायर की जगह हम रख लेते हैं आर वन स्क्वायर बाई एट इंटू ओमेगा टू की जगह रख लेते हैं टू ओमेगा वन, तो ये हो गया वन बाय फोर एम आर वन स्क्वायर ओमेगा वन। और एम आर वन स्क्वायर ओमेगा वन है एल एल वन एल वन एल वन तो हमने माना था, तो ये है एल वास्तव में। तो फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा चौथा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन आंसर हो जाएगा आपका। 27 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर विल स्टोर मिनिमम एनर्जी फॉर द सेम वोल्टेज बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। तीन कैपेसिटर है, तीनों को कैपेसिटेंस इक्वल है तो सी सी मान ले। अब इसको क्या कीजिए, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके सामने हो सकते हैं वो सब कीजिए। पहला बार में तीनों को सीरीज में ही ऐड कर लीजिए, सीरीज में ऐड किया वोल्टेज वी लगाया जा रहा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए और फाइनली जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। जो भी यहां से सी इक्विवेलेंट आएगी सी थ्री बाय सी बाई थ्री यहां जाएगी, हालांकि इस केस में एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ सी बाय थ्री इंटू वी स्क्वायर। इसी तरह से एक बार तीनों को पैरेलल में लगा लीजिए, और फिर एनर्जी स्टोर निकालिए, फिर दो को सीरीज में एक को पैरेलल में लगाइए, पता चलेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मिनिमम एनर्जी स्टोर करता है। 27 का थ्री आंसर हो जाएगा ऑल इन ऑल थ्री इन सीरीज। 26 में है, एन आइडियल गैस होज इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम और रिस्पेक्टिव टीपीवी अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपेंशन सच दैट फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 5.66 बी व्हाइल टेम्परेचर बिकम्स टी बाई टू।
तो वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर में बदलाव दिखाया जा रहा है, तो हम रिलेशन भी वही लिखेंगे, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस विल बी। आप क्या करेंगे, ऐसा रिलेशन लिखिए जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम आ रहा है फॉर एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एक रिलेशन अपने को पता है, टी वी का पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इनिशियली टेम्परेचर टी, वॉल्यूम भी गामा माइनस वन, फाइनली टेम्परेचर टी बाई टू, वॉल्यूम 5.66 वी इंटू गामा माइनस वन। यहाँ से टेम्परेचर कट गया, 2 वी गामा माइनस वन इक्वल टू 5.6 गामा माइनस वन। अब इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करेंगे, कैसे मोनोटमिक डायटमिक ट्रायटमिक एक एक करके ट्राई करेंगे। तो डायटमिक का 7/5 यहाँ रखेंगे तो ये दोनों रिलेशन इक्वल हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डायटमिक गैस यहाँ हो जाएगा, और डायटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 5 होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। 29 में इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज डबल्ड देन मोमेंटम ऑफ फोटोन वुड बी, पी इक्वल टू होता है एच बाय लैम्डा, कह रहा है वेवलेंथ डबल्ड तो मोमेंटम आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बिकम साफ ऑप्शन 2 होगा। 30 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा खींचाएगा ये। ए पार्टिकल ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम वेटलेस वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज वाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेचिंग द वायर वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड रिलीजिंग इट जेंटली। देखिए एक पार्ट तो इसमें होगा यंग्स मॉडुलस की कहानी चलेगी, एक वायर है, और दूसरा पार्ट जो चलेगा इस रॉड को भूल जाइए, आप SHM याद कर लीजिए। SHM में क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, यहाँ मास अटैच्ड होते हैं, थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, उसके बाद ये SHM करना शुरू कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसका काम करेगा यहाँ पर रॉड। अपना क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन लिखेंगे। देखिए यहाँ पर होता है F=-kx, या फिर एक्सीलरेशन के फॉर्म में लिखें तो ये होती है -ω²x। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहें, देखिए रिलेशन आपको याद है ω=2πf, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ω/2π। तो किसी तरह से ऐसा ही इक्विवेलेंट रिलेशन इस रॉड के लिए निकालना है, तो अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना है ओवरऑल। इस रॉड के लिए अगर बात करें तो यंग्स मॉडुलस होती है F/A/ΔL/L, फोर्स लिखी जा सकती है यहाँ से इक्वल टू Y∆L/L(A)। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लूँ Y(A)/L(Δ)L। यहाँ पे कांस्टेंट देखते हैं कि कौन कौन है, y कांस्टेंट, इनिशियली l कांस्टेंट, l तो इनिशियल जो भी होगा वो फिक्स होगा, लेकिन एक चीज बदलती है हालांकि एरिया, लेकिन यहाँ पर एरिया बहुत ही मिनिमल अमाउंट में बदलती है, इसीलिए एरिया को भी हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। F = कांस्टेंट * चेंज इन पोजीशन, कुछ ऐसा ही रिलेशन है ना। यहाँ पर बस माइनस लगा हुआ, माइनस तो हम लगाते हैं इसीलिए ना कि जो मोमेंट होती है पार्टिकल की उसके अपोजिट फोर्स लगता है, इसीलिए हम माइनस लगाते हैं। तो रिलेशन तो ऐसा आ चुका है। अब क्या है कि इस एफ और ए में यहाँ जो है थोड़ा सा रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ऊपर वाला जो इक्वेशन है फोर्स, उसमें मास से डिवाइड कर देते हैं, F/M इक्वल टू -k/m(x). और यही F/M इक्वल टू क्या होगी, एक्सेलरेशन। तो A = -k/m(x) लिख सकते हैं। इस रॉड के केस के लिए ये जो वैल्यू है टोटल, ये k है। अब इस रिलेशन को, रिलेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं, रिलेशन 1, ये रिलेशन 3, रिलेशन 2 और 4 को मिलाइए तो पता चला ω = √k/m।
यहां से ओमेगा निकालेंगे इस केस के लिए, रॉड के केस के लिए, ओमेगा इक्वल टू होगा अंडर रूट के की जगह रखेंगे वाई ए बाय एल अपॉन एम, तो यहां एम रख लेंगे। अपने को क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा अपॉन टू पाए, ओमेगा वन अपॉन टू पाए अंडर रूट वाई ए अपॉन एल एम। ऑप्शन टू आपका आंसर हो जाएगा। वाटर फ्रॉम टेप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप इज 10^-2 m². Assume that the pressure is constant throughout the stream of water and flow is steady. The cross-sectional area of a stream 0.15 meter below the tap is. Question number 31 में है कुछ इस तरह से, यहाँ पर टेप है, यहाँ पर इसकी cross-sectional area कुछ है टेप की, और यहाँ से water नीचे आ रहा है, right? तो water जो जो नीचे आएगा ये फैलता जाएगा इस तरह से। आपने कभी देखा होगा टेप से water जब गिरता है तो फैलता चला जाता है, तो नीचे आते आते इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। अब कह रहा है कि कुछ खास डिस्टेंस नीचे, मतलब 0.15 मीटर डिस्टेंस नीचे, इसकी एरिया कितनी होगी। तो इस पॉइंट पर पानी का वॉल्यूम पर सेकंड जो भी निकल रहा था, यहां भी पर सेकंड उतना ही निकल रहा होगा, तो एरिया इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां से लिखेंगे a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ये फर्स्ट पॉइंट पर a1 v1 इक्वल टू सेकंड पॉइंट पर a2 v2। फर्स्ट पॉइंट पर एरिया दिया हुआ है a1 इक्वल टू 10^-4 m². फर्स्ट पॉइंट पर वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉरी वेलोसिटी दिया हुआ है 1 m/s। पॉइंट टू पर एरिया पूछ रहा है a2 इक्वल टू व्हाट, तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट टू पर वेलोसिटी सबसे पहले निकालनी। तो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं v² = u² + 2as। हमें हाइट दी गई है तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब 1 का स्क्वायर इनिशियली 1 है, प्लस 2 a मतलब ग्रेविटी g इंटू हाइट दिया हुआ है s 0.15 में। यहां से जो अपनी वैल्यू आएगी v² हो जाएगी 4, v इक्वल टू 2 m/s। तो ये जो v निकाला ये v2 है अपना। अब सिंपली इस इक्वेशन में पुट कीजिए, इक्वेशन 1 में a1 v1 मतलब 10^-4 × 1 इक्वल टू a2 निकालना है, b2 2। तो यहां से फाइनली एरिया 2 निकल आएगी 5 × 10^-5 m². ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। 32 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो चैप्टर के कंसेप्ट को मिक्स किया गया है, पहला ट्रांसफार्मर और दूसरा रेक्टिफायर के कंसेप्ट को यूज किया है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज 200 एंड 100, NPNS दे दिया रिस्पेक्टिवली। इफ द ट्रांसफार्मर इज यूज इन हाफ वेव रेक्टिफायर द पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल इज 314 वोल्ट, देन DC वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय हाफ वेव रेक्टिफायर विल बी। सबसे पहले तो समझिए, ये एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। NP दिया हुआ है, NS, NP इक्वल टू 200 दिया, NS इक्वल टू 100 दिया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मैक्सिमम एक साइनसोइडल वेव है, तो मैक्सिमम जो पीक वैल्यू है, अगर कहें कि प्राइमरी कॉइल में पीक वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुए 314 वोल्ट। अब सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज नहीं पूछ रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पूछ रहा है, Vs नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है इससे एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया गया इस तरह से। तो बताइए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन क्या करते हैं, पीक वैल्यू दी हुई है इसके और इसके अक्रॉस, राइट तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले सेकेंडरी कॉइल में, जो सेकेंडरी कॉइल ये दोनों पॉइंट है, इस दोनों के अक्रॉस पीक वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर से जो भी इनपुट डालेंगे वो भी आउटपुट निकलेगा, पीक वैल्यू अगर रखेंगे फॉर्मूला में तो पीक वैल्यू आउटपुट आएगा। तो फॉर्मूला जो अपना होता है VP अपॉन VS इक्वल टू NP अपॉन NS,
यहां से Vs सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज आएगा वो होगा Ns अपॉन Np इनटू Vp। ये हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में 100 अपॉन 200 इनटू 314 अपॉन 2 ये वोल्ट। ये जो है ना पीक वैल्यू आई सेकेंडरी कॉइल में, यहां पर इस पॉइंट पर पीक वैल्यू आई, अपने को इस पॉइंट पर निकालना है। अब यहां पर थोड़ा सा समझना होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, मान चलिए कि सेकेंडरी कॉइल में जो फाइनली वोल्टेज वेव निकल रही है इस तरह से, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है एक पार्ट को कट कर देता है, तो नीचे वाला पार्ट को ही हम कट कर लेते हैं। इतना पार्ट जब तक रहेगा इस सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज, अब यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा ताकि इसके अक्रॉस, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज निकाल पाए। एक्चुअल में क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल्स में वोल्टेज चेंज हो रहा है, ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर नीचे गया, मतलब वोल्टेज चेंज हो रहा है ओवरऑल। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में के बाद जो फाइनल वोल्टेज होगा वो भी चेंज होगा। सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कौन सा वोल्टेज उसे चाहिए, पीक चाहिए, आरएमएस चाहिए, एवरेज चाहिए, तो अपन क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे। एवरेज तो यहां इस पॉइंट के अक्रॉस, हाफ वेव रेक्टिफायर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वी इक्वल टू, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, वी इक्वल टू एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। देखिए यहां जीरो है, यहां पाए है, यहां टू पाए है, तो टोटल लेंथ हो गई टू पाए, तो टू पाए से डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन ये आपने पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग करंट में, एसी में जीरो से पाए इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जीरो से पाए से ही हमें मतलब है। हाफ वेव रेक्टिफायर में वोल्टेज तभी रह रहा है जब जीरो से पाए के बीच में वोल्टेज रह रहा है, यहां सेकेंडरी कॉइल में। ये होगा वी पीक, पीक इन सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है, इंटू साइन थीटा डी थीटा। सिंपली आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये बन जाएगा इक्वल टू 1/2 पाई, बाहर हो गया वी पीक को बाहर कर लेते हैं, पीक साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो मैं लिमिट को ही उल्टा देता हूं, तो पाई से जीरो कर देता हूं। इसको आगे बढ़ाइए, ये होगा वी पीक अपॉन 2 पाई इंटू, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा 2, ये होगा वी पीक अपॉन पाई। अब वी पीक की वैल्यू रख लेते हैं, वी पीक कितना है सेकेंडरी कॉइल में 314/2/π हो गया। अब ये कैलकुलेशन आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन आसान है, देखिए 314/2 इंटू 3.14 रख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 314 कैंसिल हो गया, 100 में 2 से डिवाइड करेंगे 50 वोल्ट आंसर हो जाएगा। तो 32 का 4 नंबर आंसर होगा, लंबा गया ये। 33 भी फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा इक्वल टू 0.975 नेग्लिजिबल रिवर्स सेचुरेशन करंट इज बीइंग ऑपरेटेड इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इफ द बेस करंट इज 250 माइक्रो एम्पियर देन कलेक्टर करंट विल बी 33। फिगर ड्रॉ करना चाहते तो कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमिटर है, करेक्ट कॉमन इमिटर है, तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगी, इमिटर से जाके ये मिल जाएगा और फिर जो कलेक्टर होगा वो भी इमिटर से आके मिलेगा, तो कॉमन इमिटर हो गया। यहां से जो करंट फ्लो होगी वो IE होगी, यहां से जो करंट फ्लो होगी वो IC होगी कलेक्टर, और यहां से जो करंट फ्लो होगी वो IB होगी। क्वेश्चन में दिया है इफ द बेस करंट इज 250 माइक्रो एम्पियर, मतलब IB दिया हुआ है, IB इक्वल टू 250 माइक्रो एम्पियर। पूछा है कलेक्टर करंट क्या होगा, IC इक्वल टू व्हाट, अल्फा की वैल्यू दी गई है 0.975। अपने को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, करंट गेन, अल्फा होता है करंट गेन, IC अपॉन IB, कुछ नहीं है, यहां से IC निकालेंगे कलेक्टर करंट, अल्फा इंटू IB, ये हो जाएगा 0.975 इंटू 250 इक्वल टू 24, इसको कैलकुलेशन कीजिए 243.75 माइक्रो एम्पियर।
यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, हो सकता है ऑप्शन गलत हो या फिर मेरा कोई कैलकुलेशन कुछ गलत हो, तो चेक कर लीजिए। 34 में है टू इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस डी, बोथ द वायर्स हैव सेम लिनियर चार्ज डेंसिटी, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन ईच अदर विल बी। डायरेक्ट रिजल्ट कराया जाता है क्लास में, कह रहा है दो वायर है, दोनों डी डिस्टेंस पर अवेलेबल है, दोनों पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, तो एक वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ से निकालते हैं, लैम्डा अपॉन टू पाई डी एप्सिलॉन नॉट, डी डिस्टेंस पर टू पाई डी एप्सिलॉन नॉट। तो अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें इस वायर के कारण इस वायर पर, सेकेंड वायर पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि पर यूनिट लेंथ पर फोर्स पूछ रहा है, तो पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है दिया हुआ है लैम्डा इंटू लैम्डा, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन टू फाइव डी एप्सिलॉन नॉट। 34 का टू ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन आसान है। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ के हैं, मोनोक्रोमेटिक हैं, कोहेरेंट है दोनों। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि इन सब एग्जाम में इतनी जो वर्ड लिखे होते हैं कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक, इससे फंसाया नहीं जाता आपको, इसीलिए ये शब्द अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। आईआईटी में ये सब शब्द पर ध्यान दिया जाता है और इससे भी खेल कर दिया जाता है। इंटेंसिटी दिया हुआ है 4i9i, ये 4191 नहीं है, और सुपर इम्पोज्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी, पता है आईआर जो रिजल्टेंट होता है, ये भी आपको क्लास में कराए जाते हैं। I1 दिया हुआ है 4i, I2 दिया हुआ है 9i, राइट। I रिजल्टेंट होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, ठीक है। पूछ रहा है रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos phi को 1 होना होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो रिजल्टेंट हो जाएगी IR मैक्स इक्वल टू, सिंपली वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगा 4i प्लस 9i प्लस 2 इंटू, अंदर रखेंगे 4i 9i तो ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 3i, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25i। रिजल्टेंट मिनिमम की बात करें, मिनिमम तो उसके इसके लिए cos phi को -1 होना होगा, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे सिंपली 4i प्लस 9i माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 3i, ये हो जाएगा 13i माइनस 12i इक्वल टू i, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा 25i और i। इन ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, ये भी सिंपल रिजल्ट है, गिब्स फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला गिब्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एच माइनस टी एस, या दूसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा गिब्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल टू एच को लिखेंगे यू प्लस पी वी माइनस टी एस, तो अपना गिब्स फंक्शन आंसर हो जाएगा। इन सीरीज एलसीआर सर्किट द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस फॉर ए फिक्स्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज विद, शार्पनेस क्वालिटी फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्वालिटी फैक्टर आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले तो याद कीजिए रेजोनेंस के लिए, कह रहा है रेजोनेंस के लिए, तो रेजोनेंस के लिए XL इक्वल टू XC होता है, कहने का मतलब ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है XL अपॉन R या फिर XC अपॉन R, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो इक्वल है, तो कहने का मतलब क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा XL अपॉन R, मतलब ओमेगा L, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हम ओमेगा को ओमेगा नॉट मान लेते हैं, क्योंकि वो कोई खास फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर इक्वल टू, अगर सी के टर्म में लिखें तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर, ये क्वालिटी फैक्टर होती है। अगर क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा तो रेजोनेंस शार्पर होगा, रेजोनेंस शार्पर होगा, और एक और चीज कहते हैं कि अगर क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा तो लिखेंगे सर्किट इज मोर सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए रिजल्ट ऑप्शन चेक करने के लिए। क्वेश्चन में दिया है फिक्स्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी,
कहने का मतलब ओमेगा को नहीं बदलना है, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है इसको नहीं बदलना, और ओमेगा नॉट को बिना बदले हुए क्यू को किसी तरह से इंक्रीज कराना। क्यू को इंक्रीज कराने के लिए या तो एल बढ़ाइए, आर घटाइए या फिर सी घटाइए। ऑप्शन वन है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर, गलत। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस, गलत। डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल, गलत। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल, सही। 38 में कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज 15 माइक्रोफेराड एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 6 मिलीमीटर। ए कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस 3 मिलीमीटर इज इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स सिमेट्रिकली। यहां पर सिमेट्रिकली वर्ड जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नाउ द कैपेसिटेंस विल बी, अगर अब इसका फिगर ड्रॉ करें, इनिशियली कुछ ऐसा था, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है डी 6 मिलीमीटर, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 15 माइक्रो फैराड। अगर इसको फॉर्मूला के रूप में लिखें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी फॉर्मूला होता है, तो यही है 15। ओके, इसको अभी रखे रहते हैं इसी तरह। बाद में क्या किया गया, ये कैपेसिटर है, वही कैपेसिटर है, सिमेट्रिकली कॉपर प्लेट इंसर्ट कर दिया गया। सिमेट्रिकली का क्या मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना डिस्टेंस बचा राइट हैंड साइड में उतना ही डिस्टेंस होगा, दोनों तरफ खाली डिस्टेंस इक्वल होगा। 3 मिलीमीटर तो ये खुद है, टोटल 6 मिलीमीटर है, तो खाली स्थान कितना बचेगा 3 मिलीमीटर, और सिमेट्रिकल है तो ये वाला भाग भी होगा 1.5 मिलीमीटर और ये वाला भाग होगा 1.5 मिलीमीटर। अब देखिए ये डायलैक्ट्रिक नहीं है, ये मेटल है, जब ये खुद मेटल है आ गया है तो ये खुद एक नया कैपेसिटर बन जाएगा और ये भी खुद एक नया कैपेसिटर बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों कैपेसिटर बने ये दोनों सीरीज में ऐसे हैं, ये कैपेसिटर पहला है, बीच में पूरा मेटल ही है, तो एक तरह से वायर मान सकते हैं इस तरह से, और दूसरा कैपेसिटर इस तरह से। दोनों के लिए सेम कंडीशन है, मतलब एरिया वही है, डी वही है, थिकनेस दोनों में 1.5 मिलीमीटर है, तो दोनों की कैपेसिटेंस सी डैश इसकी भी सी डैश इक्वल होगी। सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी सी डैश अपॉन टू, अपने को ये पता चल गया। अब एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एरिया ए ही है अभी भी, अपॉन डी। डी क्या हो गया, 1.5 है लेकिन 1.5 नहीं लिखेंगे, डी के टर्म में ही लिखेंगे। डी क्या हो गया, चौथाई हो गया, डी बाय फोर हो गया, डी बाय फोर हो गया, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए इसीलिए मैंने डी रखा, ये फोर ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बच गया। अपने को क्या चाहिए, इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट सी डैश बाय टू, मतलब टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी यहां से 15 दिया हुआ है, 2 × 15 इक्वल टू 30 माइक्रोफेराड आंसर होना चाहिए। इसका भी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, हो सकता ऑप्शन गलत हो या फिर मेरा कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। 39 में कह रहा है कि टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स, अभी कुछ देर पहले भी ऐसा सवाल था, दो वायर थे लेकिन उस पर चार्ज डेंसिटी था, चार्ज था, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस बी मीटर्स आर कैरिंग ए करेंट आई एम्पियर इच, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर वायर। यहां पर मैग्नेटिक चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके कारण दूसरे वायर पर फोर्स लगेगा, तो पूछ रहा है कि दूसरे वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, तो वैसा ही क्वेश्चन है, केवल यहां पर चार्ज के बदले मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा होगी। क्वेश्चन आसान है, दो वायर है इस तरह से, दोनों करंट कैरी कर रहे हैं आई नॉट आई नॉट, तो एक के कारण दूसरे पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स जो होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा म्यू नॉट, ये रिजल्ट पढ़ाया जाता है क्लास में, आई नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। इस केस के लिए म्यू नॉट आई वन आई टू दोनों आई नॉट है, तो आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू पाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस बी है तो आर की जगह बी लिख लेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 में कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज नॉट द बेसिक लॉजिक गेट्स, ये तो सिंपल मौखिक क्वेश्चन है, और बेसिक होता है, नॉट बेसिक होता है, एंड बेसिक होता है,
XOR, ये बेसिक नहीं होता, ये दो गेट्स के मिक्सिंग से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 40 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? ए चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज फिक्स्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। तो अगर ये फिक्स्ड है तो इसके लिए स्मूथ का कोई मतलब नहीं है। ओके, ए सेकेंड चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल टू फर्स्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ, इसके लिए स्मूथ का मतलब है क्योंकि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी v। इसका भी मास m है, चार्ज q है। टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से छोड़ा जाता है। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द सेकेंड पार्टिकल टू द फर्स्ट पार्टिकल इज, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनिशियली दो चार्ज है, एक तो फिक्स है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे समझिए, इसको फेंका जाता है v वेलोसिटी से। इसका भी मास m है, चार्ज q है, इसका भी मास m है, चार्ज q है, ये फिक्स्ड है। और सेकंड फिगर में मान चलिए कि ये तो फिक्स्ड ही रहेगा, दूसरा वाला चार्ज जो है जिसको फेंका गया वो यहां तक आ जाता है। अब क्यों यहां तक आएगा? देखिए, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स काम करेगा और वेलोसिटी है उसके कारण ये इस चार्ज की तरफ अप्रोच करेगा। तो मैंने कहा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि काफी हाई डिस्टेंस पर है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो जाएगी, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है के क्यू वन क्यू टू, मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर। यहां से रेडियस निकालिए, टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। यहां पर ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर टू, के टू क्यू स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। 42 कह रहा है कि ए लेंस इज फॉर्म्ड बाय प्रेसिंग म्यूचुअली टू आइडेंटिकल प्लेन कन्वेक्स लेंस। दो लेंस है, एक तरफ प्लेन है, एक दूसरी तरफ कन्वेक्स सरफेस है, और फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, दोनों का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। इट इज यूज टू ऑब्टेन ए रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ। फिगर बनाते हैं पहले। 42 में है कि दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इस तरह से दोनों के प्लेन सरफेस को चिपका कर एक लेंस बनाया जाता है। तो फाइनल जो लेंस बनेगा वो तो अपना कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। अब आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। कह रहा है इट इज यूज टू ऑब्टेन रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ सब्जेक्ट। कन्वेक्स लेंस में रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज कब बनता है? जब सेंटर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो सबसे पहले जो फाइनल लेंस बना उसका फोकल लेंथ निकालेंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे। ये जो लेंस बना इसका फोकल लेंथ निकालते हैं, तो ये होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये होगा 1/40 + 1/40 = 2/40 = 1/20। एफ इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर। इसका फोकस यहां है तो इसको सेंटर पर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, ताकि सेम साइज का इमेज बने और इन्वर्टेड बने, राइट। ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा? 40 सेंटीमीटर। 42 का ऑप्शन ए आंसर होगा। 43 क्वेश्चन पढ़िए। ए ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग विथ ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सोनोमीटर वायर प्रोड्यूसेस 10 बीट्स पर सेकेंड। बीट्स आपको पता है ना, अगर ट्यूनिंग फॉर्क कुछ खास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है और सोनोमीटर वायर भी कुछ खास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस को बीट्स पर सेकेंड कहते हैं। इफ द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इज चेंज टू 22 सेंटीमीटर, अच्छा 22 सेंटीमीटर कर दिया गया, कीपिंग द टेंशन इन द वायर टू द सेम, देर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, मतलब अभी डिफरेंस जो है इक्वल ही है, उतना ही है, 10 बीट्स पर सेकेंड ही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इन एच जेड विल बी, करा ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? मैं तो क्या करता हूँ, फिगर बनाता हूँ पहले ताकि आपको ठीक से समझ में आए। ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है और इससे सोनोमीटर वायर अटैच्ड बंधा हुआ है,
इनिशियल कंडीशन में 10 बिट्स पर सेकंड है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और फाइनल कंडीशन में ये भी ट्यूनिंग फॉर्क है वही, बस वायर की लेंथ कर दी गई 22 सेंटीमीटर। अभी भी ये 10 बिट्स पर सेकंड ही क्रिएट कर रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों कंडीशन में टेंशन सेम है वायर में। फोर, ए वायर, किसी वायर के लिए इफ टी इज सेम, टेंशन इज सेम, तो एन वन एल वन मतलब एन एल कॉन्स्टेंट होता है इक्वल टू एन टू एल टू, जहां एन जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर है, वायर की फ्रीक्वेंसी एन, और एल जो है लेंथ ऑफ वायर है। यहां से एन वन बाय एन टू निकल के आएगा एल टू बाय एल वन इक्वल टू 22/20। एक चीज समझिए पहले, फ्रीक्वेंसी जो है ट्यूनिंग फॉर्क का अभी वही है एफ, और बाद में भी वही है एफ। फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी इन वायर को हम एन वन माने, और सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी इन वायर को एन टू मानते हैं। सोचिए कि या तो एफ माइनस एन वन होगा 10, या एन वन माइनस एफ 10 होगा, कोई ना कोई एक तो निगेटिव होगा, तो ये कहां से पता लगेगा? ये पता लगेगा इस रिलेशन से। कैसे? देखिए, कोई खास नंबर है, मान चलिए बीच में 10 है, 12 मान लेते हैं। अगर राइट हैंड साइड में कोई नंबर चूज करना है ताकि डिफरेंस 3 हो जाए तो 15 चूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर चूज करना है ताकि फिर भी डिफरेंस 3 रहे तो हमें 9 चूज करना होगा। वही केस है यहां पर, बीच में एफ है, इधर एन वन है और इधर एन टू है। अब देखिए, ये तो उल्टा भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी बीच में और एन वन इधर और एन टू इधर, उल्टा भी हो सकता है। तो मैंने कहा ये चीज आएगा यहां से, कैसे? एन वन बाय एन टू है 22/10, तो यहां से समझ में आया कि एन वन जो है ग्रेटर देन है एन टू से, तो इसका मतलब सेकेंड वाला जो फिगर होगा वो अप्लीकेबल होगा। तो इस चीज को हटा देते हैं, सेकेंड फिगर से हमें समझ में आया कि एन वन माइनस एफ घटाएंगे, ये 10 होगा, और बाद में एफ माइनस एन टू घटाएंगे क्योंकि एफ बड़ा है एन टू से, तो एफ माइनस एन टू 10 होगा। ये दो रिलेशन आ चुके हैं। अब पहले वाले से भी एन वन निकाल लेते हैं, एन वन होगा 10 प्लस एफ, और दूसरे वाले से एन टू निकाल लेते हैं, ये होगा एफ माइनस 10, एन वन बाय एन टू निकाल लेते हैं, ये होगा 10 प्लस एफ अपॉन एफ माइनस 10। प्रीवियसली देखें, यहां एन वन बाई एन टू 22/20 आया था, तो इसको इक्वल कर दें 22/20 से। अब सिंपल है, इसको सॉल्व कीजिए और एफ की वैल्यू निकालिए, तो एफ की वैल्यू जो अपनी आएगी 210 हर्ट्ज। इस तरह से ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। थोड़ा लंबा खिंचाया क्वेश्चन, कंसेप्चुअल था। क्वेश्चन 44 में YDSC का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन YDSC एक्सपेरिमेंट 20 फ्रिंज आर फाउंड टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन, किसी खास लेंथ पर, स्क्रीन के किसी खास लेंथ पर 20 फ्रिंज बन रहे हैं व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड, वेवलेंथ बदल दिया गया, देन 30 फ्रिंज बनते हैं उतने ही लेंथ पर, स्क्रीन के उतने ही लेंथ पर 30 फ्रिंज बनते हैं, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन दिस केस क्या होगा? 44 को थोड़ा सा समझते हैं फिगर से। YDSC एक्सपेरिमेंट होता है इस तरह से, आपको पता है ये स्क्रीन है, स्क्रीन के किसी खास सेगमेंट में कोई खास लेंथ ले लेते हैं, कोई भी लेंथ मान लेते हैं, ये एक्स लेंथ है। इनिशियली उतने ही एक्स लेंथ में 20 फ्रिंज बन रहे हैं, और बाद में फाइनली उतने ही एक्स लेंथ में 30 फ्रिंज बन रहे हैं। इनिशियली वेवलेंथ 600 नैनोमीटर था लाइट का, और फाइनली लैम्डा पूछ रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन को लिख लेंगे तो आसानी होगा। तो इनिशियली कंडीशन में निकालते हैं, इनिशियल कंडीशन में विड्थ ऑफ सिंगल फ्रिंज, सिंगल फ्रिंज ये होगा एक्स बाय 20, एक्स लेंथ में 20 फ्रिंज है तो एक्स बाय 20। अपनों को पता है
कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाय कैपिटल डी, ये होता है। इसको इक्वेट कर देते हैं इनिशियल कंडीशन, डी तो डी ही रहेगा, लैम्डा इनिशियली लैम्डा वन मान लेते हैं, 600 दिया हुआ है अभी मान लेते हैं लैम्डा वन, और कैपिटल डी दोनों के बीच का डिस्टेंस ये, और स्मॉल डी ये डिस्टेंस। अब सेकंड केस के लिए विड्थ ऑफ सिंगल फ्रिंज मतलब फ्रिंज विड्थ ये निकाल लेते हैं, ये होगा x बाय 30 और इस केस में होगा d लैम्डा 2 बाय कैपिटल d। तो एक काम कीजिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये x बाय 20 अपॉन x बाय 30 इक्वल टू d लैम्डा 1 बाय कैपिटल d अपॉन d लैम्डा 2 अपॉन कैपिटल d, ये बन के आ जाएगा लैम्डा 2 इक्वल टू 2 बाय 3 इंटू लैम्डा 1, तो लिख लेंगे 2 बाय 3 इंटू 600, ये होगा 400 नैनोमीटर, टू नंबर ऑप्शन में वही है। 45 मौखिक क्वेश्चन 2 ऑफ 10 पी टाइप जर्मेनियम, द जर्मेनियम क्रिस्टल मस्ट बी डोप्ड विथ, जर्मेनियम को लेफ्ट साइड वाले से डोप्ड किया जाएगा जिसमें बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, तो एक नंबर आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू, सब पे चार्ज क्यू है, फॉर्म ए लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप, सबको मिला दिया गया एक लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप बन गया, तो एक चीज समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम कर देंगे। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप एट इट्स सरफेस इज हाउ मच हायर देन द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप के कंपेयर में ये लार्जर ड्रॉप पर पोटेंशियल कितना ज्यादा हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। 46, पहले ये स्मॉल ड्रॉप थे और कितने थे 1000, ऐसे ऐसे 1000 ड्रॉप थे, अब बाद में सबको मिक्स करके एक ड्रॉप बना दिया गया, तो वॉल्यूम वाला कांस्टेंट वाला फॉर्मूला पहले तो लगा देते हैं, इनिशियली रेडियस हर किसी का आर था, फाइनली मान लेते हैं कैपिटल आर, तो इनिशियली जो वॉल्यूम टोटल होगा 1000 इंटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब इक्वल टू फाइनली जो होगा वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यहां से कैपिटल आर आ जाएगा 10 आर, एक रिलेशन आ चुका है। पोटेंशियल एट अ स्मॉल ड्रॉप, इसको हम भी स्मॉल नाम दे देते हैं, इक्वल टू होगा के क्यू बाय आर, सबको पता है ना ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, चार्ज क्यू है और रेडियस स्मॉल आर है। पोटेंशियल एट बिगर ड्रॉप इक्वल टू के इंटू चार्ज, चार्ज कितना बन जाएगा 1000 क्यू मिलके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो चार्ज 1000 क्यू हो जाएगा, 1000 क्यू अपॉन कैपिटल आर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ये होगा 1000 के क्यू अपॉन कैपिटल आर की जगह रख सकते हैं यहां से 10 आर, 10 स्मॉल आर, ये हो गया 100 के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर है वी स्मॉल, तो बिगर ड्रॉप पर पोटेंशियल 100 टाइम्स हो जाता है स्मॉल ड्रॉप के कंपेयर में, तो ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा आपका। 47 में मौखिक क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज कंट्रोलर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कंट्रोलर के रूप में यूज किया जाता है, बोरोन को, सिल्वर को, इंडियम को, कैडमियम को, तो यहां पर बोरोन आपका आंसर हो जाएगा। 48 में यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज इक्विवेलेंट टू डायमेंशन ऑफ व्हाट, या तो आपको डायमेंशन सिंपली याद होना चाहिए प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम का, फोर्स का, हर किसी का, और कंपेयर करके ऑप्शन लगा दीजिए, अगर नहीं पता है तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, कोई भी फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें कि प्लैंक्स कांस्टेंट आ रहा होगा, मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है इक्वल टू एच न्यू, यहां प्लैंक्स कांस्टेंट एच है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन न्यू, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एच इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अब अगर आपको एनर्जी का भी नहीं याद आ रहा है तो कोई भी फॉर्मूला लिख लीजिए, जैसे कि
वर्क भी तो एक एनर्जी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एल, तो ये टोटल हो जाएगा एनर्जी का अपॉन फ्रीक्वेंसी का क्या होता है टी टू द पावर माइनस वन, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड होता है ना टी टू द पावर माइनस वन, तो ये इक्वल टू आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब ऑप्शन में एक एक करके फॉर्मूला का निकालिए किसका इसके इक्वल है, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको एंगुलर मोमेंटम का वही आएगा, फोर्स तो कट गया, फोर्स का तो एम एल टी माइनस टू होता है, लीनियर मोमेंटम मतलब एम वी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम एल टी माइनस वन। मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसका भी नहीं होगा, एम आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो मास इंटू एम एल स्क्वायर हो जाएगा, तो अपना एक ही बच जाता है, तो ऑप्शन कट कट करके भी बना सकते हैं या फिर एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम का हर किसी का निकालिए और सॉल्व कीजिए। 49 भी आसान क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ देन इट हैज, सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो आपको पता है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है ऑब्जेक्ट, तो उसकी पास रेडियल एक्सेलरेशन होती है लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होती है, तो रेडियल एक्सेलरेशन वाली हो जाएगा वन नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू इनपुट नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एक्शन ऑफ टू इनपुट ऑर गेट। यहाँ पर इस टू से कंफ्यूज मत होइएगा, टू इनपुट ऑर गेट मतलब एक ही ऑर गेट है उसमें दो इनपुट है ये कह रहा है, अगर कंफ्यूजन दूर ना हो तो हिंदी आती है तो हिंदी पढ़िए, दुई निवेशी ऑर गेट, दुई निवेशी मतलब दो लोग निवेश कर रहे हैं ऐसा है ना, तो टू इनपुट है वहां, तो दो ऑर गेट नहीं है एक ही ऑर गेट है जिसमें दो इनपुट है। ओके कितने नैंड गेट लगेंगे इक्विवेलेंट करने के लिए, क्वेश्चन 50 को थोड़ा समय पहले ऑर गेट समझा देता हूं, ऑर गेट ये इस तरह से होता है ना, फिगर में ठीक से नहीं ड्रॉ कर पाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, दो इनपुट है इसमें, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी दे देते हैं, एक नैंड गेट बनाते हैं, ये आपका रिजल्ट हो गया ए और बी इनपुट हो गया। ऑर गेट के लिए रिजल्ट जो होता है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी होता है, नैंड गेट के लिए रिजल्ट जो होता है एक्स इक्वल टू ए इंटू बी का कंप्लीमेंट होता है, राइट किसी तरह से मुझे नैंड गेट की सहायता से एक दो तीन जितने भी यूज करने पड़ सके उसको यूज करके फाइनल रिजल्ट ए प्लस बी लाना है, तो इस चीज को भूल जाइए, सबसे पहले एक थ्योरम होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये मॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि ए डॉट बी का कंप्लीमेंट होता है ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, एक बार कंप्लीमेंट ले लेते हैं इसका, टेकिंग कंप्लीमेंट, एक बार कंप्लीमेंट लेंगे तो ये बनेगा ए डॉट बी का कंप्लीमेंट राइट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट, राइट हैंड साइड में बन जाएगा ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ये बन जाएगा ए प्लस बी, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए, उसी तरह से बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बी, तो रिजल्ट इस तरह से ए प्लस बी आया, मैंने उठाया था ए डॉट बी का कंप्लीमेंट को, ये तो अपना नैंड गेट था यहां देखिए, और उसकी मदद से हमने किसी तरह से ए प्लस बी ला लिया जो कि ऑर गेट का रिजल्ट होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको समझना होगा नैंड गेट के साथ मैंने क्या क्या किया, तो सबसे पहले तो एक नैंड गेट बना लेते हैं, एक तो मिनिमम होना ही है और एक से तो रिजल्ट आ नहीं रहा है, इसे एक बना लिया ए डॉट बी का कंप्लीमेंट उसका कंप्लीमेंट, मतलब जो भी ये रिजल्ट देगा इसका उल्टा रिजल्ट बनाना है, तो उल्टा रिजल्ट बनाने के लिए दोनों इनपुट पर एक नैंड गेट लगा देते हैं, इसका कहने का मतलब यही हुआ, तो एक नैंड गेट यहां लगाया इसके रिजल्ट के साथ इसको ऐड कर दिया, दूसरा नैंड गेट यहां लगाया और इसके रिजल्ट के साथ इसको ऐड कर दिया, अब दोनों नैंड गेट में दो इनपुट होते हैं तो टोटल चार इनपुट हो गए, लेकिन अपन क्या करेंगे इन दोनों को मिला के एक ही इनपुट बनाएंगे क्योंकि इनपुट तो दो ही देना है ना ए बी, ये रिजल्ट एक्स है, तो अगर इस कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल किया जाए तो फाइनल रिजल्ट होता है ए प्लस बी,
और गेट का भी इस्तेमाल करते हैं तो फाइनल रिजल्ट होता है ए प्लस बी। तो समझ में आया कि हमें तीन नैंड गेट का इस्तेमाल करना पड़ा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा आपका। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछना मत छोड़िए। तो मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक सॉल्यूशन दिए, जिसमें 5 वीडियो आए। हर एक वीडियो लगभग 20 मिनट का है और ये लगभग जोड़ के हो जाता है 100 मिनट। एग्जामिनेशन में आपको 50 क्वेश्चन के लिए केवल 50 मिनट समय मिलेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के कैलकुलेशन लेंथी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ हर क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसीलिए 100 मिनट का समय लगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, अभी तक कोई भी बुक पब्लिश नहीं हुई है 2018 के सॉल्यूशन को लेकर, और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 2018 का सॉल्यूशन नहीं आया है। मैंने 2018 का सॉल्यूशन बना दिया, जिसको जरूरत है उसके साथ भी शेयर कीजिए। कोई सवाल है मन में, कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया, तो मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। 51 से लेकर 100 तक केमिस्ट्री का सेक्शन है, 101 से लेकर 150 तक मैथमेटिक्स का सेक्शन है, तो इन सब के भी सॉल्यूशन बहुत जल्द आएंगे, वेट कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिए। आपको बहुत ही गुड लक।